सुनिए, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कुछ लोग आपसी मतभेद में आपस में ही FIR करा देते हैं, FIR कटा देते हैं ऐसे ही हरास करने के लिए, ओके, हरास करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए लोगों का। तो इन कंडीशंस में आपको, इन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। Up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It's on a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside any time. So okay, point number first. आपको क्या करना है अगर आपके खिलाफ झूठी FIR हो जाती है? तो सबसे पहले तो आपको अपने फेवर में कोई भी पक्का सबूत अपने पास रखना है। सपोज आपके खिलाफ कोई FIR कराता है कि उसने मेरे साथ मारपीट की या फिर मेरे साथ झगड़ा किया और वो झूठी है, तो जब वो झूठी है तो आप उस टाइम वहाँ पे होंगे ही नहीं। तो जहाँ भी आप होंगे तो आपके पास एक सबूत होगा कि मैं इस टाइम यहाँ पे नहीं था और मैं इस टाइम यहाँ पे था, तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए। ओके, पॉइंट नंबर टू, आपको क्या करना है, हाई कोर्ट में जाना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है उसको चैलेंज करने के लिए, जो भी आपके खिलाफ FIR हुई उसको आपको चैलेंज करना है। ओके, ये हो जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 482 ऑफ CRPC। इसमें क्या होता है, हाई कोर्ट उस FIR को चैलेंज करता है कि भाई जो FIR जो होती है इसको चैलेंज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही होगी उस केस में या फिर उस FIR के दौरान, तो वो क्या होगी, वो रुक जाएगी, कोई भी वारंट निकला होगा वो भी रुक जाएगा। ओके, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही होगी वो रुक जाएगा। तो हाई कोर्ट क्या करेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए एक वो टीम भेजेगा, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आपका जो केस है वो सही पाता है, आपके फेवर में पाता है कि आपकी झूठी है, तो जिसने झूठी FIR कराई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके, सो दैट्स कंक्लूड द वीडियो, आई होप यू गॉट इट। बाय द वे, आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज। Invite you, stay cool, stay well. I will see you in the next video. Bye.